अब दिसंबर की सर्दियों की शुरुआत हो रही है, ऐसे में कोरोना की वजह से बढ़ रही मौतों की संख्या डराने वाली है। पिछले कुछ दिनों की राहत के बाद दिल्ली में एक बार फिर एक दिन में मौत का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया। दिल्ली में मामूली राहत के बाद कोरोना फिर से जानलेवा रफ्तार पकड़ने लगा है। 7 नवंबर के बाद पहली बार रविवार को 24 घंटे में सबसे कम 68 लोगों की मौत दर्ज की गई, लेकिन अगले ही दिन कोरोना से मौत का आंकड़ा 100 के पार चला गया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 108 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में कोरोना के 3,726 नए मामले सामने आए। अब दिल्ली में कोरोना का कुल आंकड़ा 5,70,000 के पार पहुंच गया है। राजधानी में इस वक्त कोरोना के 32,885 एक्टिव केस हैं और 5,552 कंटेनमेंट जोन हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 50,670 सैंपल टेस्ट किए गए। इस बीच कोरोना टेस्ट को लेकर केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है और RT-PCR टेस्ट के दाम में 2/3 की कटौती की गई है। दिल्ली में RT-PCR टेस्ट 800 रुपए में हो सकेगा। अभी तक इसके लिए 2400 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। अगर कोई घर बुलाकर RT-PCR टेस्ट का सैंपल देना चाहे तो इसके लिए 1200 रुपए देने होंगे। दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। भोपाल और इंदौर में फिर से कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक इंदौर में लगातार 9वें दिन 500 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। बीते 9 दिनों में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 31 तक जा पहुंचा है। इंदौर में अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 42,149 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इंदौर में 70% लोग होम आइसोलेशन के जरिए इलाज ले रहे हैं। इंदौर में 5 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा चुके हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कंटेनमेंट जोन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। नए निर्देश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानें बंद रहेंगी। बुजुर्ग गर्भवती महिलाओं और बच्चों से केवल जरूरी कामों के लिए ही घर से बाहर निकलने की अपील की गई है। सार्वजनिक जगहों पर 6 फीट की दूरी बनाए रखना जरूरी बताया गया है। फेस कवर या मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य है। गाइडलाइंस के मुताबिक दुकानदारों को दुकान खोलने के पहले सभी जगहों को सैनिटाइज करना होगा। इसके अलावा दुकान के उन जगहों को भी समय समय पर सैनिटाइज करने के लिए कहा गया है जो ग्राहकों के संपर्क में आती है। कोरोना पर काबू पाने की कोशिशों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में 3 दिन के अंदर मोबाइल RT-PCR केंद्र चालू किए गए हैं और अब बिहार के भी कई जिलों में ऐसी मशीन लगवाई जा रही है। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं 9 जिला जो है और ये हम लोगों ने इन जिलों में RT-PCR मशीन जहाँ नहीं था जहाँ है वहाँ अपग्रेड करना और जहाँ नहीं था तो ऐसा कोई भी कमिश्नरी बिहार के नवो कमिश्नरी को हमने टैकल किया है और वहाँ RT-PCR का वो मशीन हम भेज रहे हैं। कुल मिलाकर वैक्सीन की उम्मीद के बीच कोरोना से जंग जारी है। जरूरत है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे निर्देशों का पूरी सख्ती से पालन किया जा सके। भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ और इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।